इन ईद सहराओं में सहाब उठा कर तो देख, नजर आएगा तू भी चश्म फलक, अपने जोरे बाजू को आजमा कर तो देख। हाथ में सर्टिफिकेट भी लिया है माशाल्लाह। कौन सी पोजीशन आई आपकी? सेकंड पोजीशन। हम तो चाहते हैं रोज ऐसा, रोज हमें टैलेंट का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शीज़ा और ये है आपका चैनल पब्लिक पॉइंट। यहाँ पे आज न्यू वियन फिस्टा का इनकार किया गया है जिसमें लोगों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे 10 साल से लेकर 60 साल तक लोग अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं जिन्हें आज तक दिखाने का मौका ही नहीं दिया गया। ये दूर नहीं महो आफ्ताब, ये दूर नहीं महो आफ्ताब, काफी नजर दौड़ा कर तो देख, इन ईद सहराओं में सहाब उठा कर तो देख, नजर आएगा तू भी चश्म फलक, अपने जोरे बाजू को आजमा कर तो देख। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। मत कर खाक के पुतलों पे गुरूर बेनियाजी इतनी, मत कर खाक के पुतलों पे गुरूर बेनियाजी इतनी, खुद में खुदी को झांक कर देख तुझमें क्या रखा है, तुझमें क्या रखा है। ठीक है, उस सबको मैं वेलकम कहता हूँ और हमारा थीम ये था कि लोगों के अंदर, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी कि जिनका वक्त गुजर गया है स्टूडेंट लाइफ का, वो भी अगर चाहते हैं तो वो भी अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि आप सबने इसमें भरपूर शिरकत की और आपने क्लैपिंग से बताना है कि इसमें आपने कितना एंजॉय किया और कितना करना रहा। यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, आए हम उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें यहाँ आकर अच्छा लगा है या उन्हें क्या सीखने को मिला है। मैम आपको यहाँ पे आप आई हैं, न्यू वियन ने एक मेले का इनकार किया है, आपको देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, अंदाज बहुत अच्छा, हर प्रोग्राम बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कि बच्चियों ने किस तरह अपने टैलेंट को शो करवाया, क्या आप चाहती हैं कि इस तरह की दोबारा होना चाहिए? हाँ जी, बच्चों ने अपना टैलेंट भरपूर अपने असातिज़ा से सीखा और वो भरपूर अंदाज में उसे पेश किया। अरुज आप कौन सी क्लास? 9th class से। अरुज आपने किससे पार्टिसिपेट किया? स्पीच में पार्टिसिपेट किया था। और आपका अनुमान क्या था? हम आज़ाद हैं। क्या हम आज़ाद हैं? और मैंने माशाल्लाह से देख रही हूँ आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी लिया है माशाल्लाह। कौन सी पोजीशन आई आपकी? सेकंड पोजीशन। माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मुझे ये बताएं कि क्या आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा? जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहले भी मैं यहाँ पे फंक्शन पर आ चुकी हूँ, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ पे आज आपको इन्जॉय कर रही हैं? जी। आप क्या कहती हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन दोबारा होना चाहिए? जी। क्या सीखने को, ऐसी कोई बात जो आपको आज सीखने को मिली है यहाँ से? फर्स्ट टाइम हम टैलेंट फेस्टा पे आई हूँ और दूसरी बार यहाँ पे सीखने से हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि हमने वो मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हमें वीडियोज़ के बारे में, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती, बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जज़ाकअल्लाह। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस में इनाम हासिल किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नेम? मेरा नाम ईशा आरिफ है और मैं 10th class से हूँ। मैंने किस में पार्टिसिपेट किया था? मैंने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जिसकी वजह से मुझे ये मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आई तो नाज़रीन हम आपको कुछ पार्टिसिपेंट से मिलाते हैं जिन्होंने टैबलो में पार्टिसिपेट किया था। आए हम उनसे पूछते हैं कि इनका टैबलो का क्या मॉरल था और उनको इससे क्या सीखने को मिला, और क्या जो उन्होंने टैलेंट यहाँ पे शो करवाया है क्या वो दिखाना चाहती थी या उनके दिल में कोई ऐसी हसरत थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यही बताएं आपने कौन से टैबलो में पार्टिसिपेट किया था? हमने पेरेंट्स की हिजमत पे पार्टिसिपेट किया था। पेरेंट्स, उसका अनुमान मतलब क्या था, क्या था पेरेंट्स की? जैसी करनी वैसी बननी, जो आज हम अपने वालदैन के साथ करते हैं कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या आप चाहती हैं कि ये दोबारा से फेस्टिवल रखवाया जाए? हम तो चाहते हैं रोज़ ऐसा, रोज़ हमें टैलेंट का मौका मिले।